हेलो, नमस्कार दोस्तों। 10 और 11 नवंबर 2018 की प्रीलिम्स एडिटर सीरीज में आपका स्वागत है। सबसे पहले हम आज के क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, फिर हम आगे न्यूज़ को डिस्कस करेंगे। तो आपके लिए जो पहला क्वेश्चन है वो है जीएसटी से रिलेटेड। आपको क्वेश्चंस पढ़ने, आपको बता देता हूँ, हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चंस अवेलेबल हैं। क्वेश्चन ये है कि जीएसटी के संबंध में उपभोक्ताओं को माल या सेवाओं के प्रवाह को और कर में जो भी कमी है उसके लाभों को ग्राहकों तक सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बॉडी है जो काम करती है। पहला ऑप्शन है जीएसटी काउंसिल, दूसरा है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, तीसरा ऑप्शन है नेशनल एंटी प्रॉफिटिंग काउंसिल और तीसरा है चौथा ऑप्शन है सॉरी सेबी। तो अब चारों ऑप्शन में आपको सोचना है और बताना कि कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है। देखो, आपने आंसर सोच लिया होगा, चलो मैं आपको आंसर बताता हूँ। हम बात करें तो इसका ऑप्शन होता है डायरेक्ट और डायरेक्ट सी, तीसरा ऑप्शन इसका सही होगा। क्यों? क्योंकि देखो, जीएसटी में टैक्स रेट वगैरह में कोई भी कमी वगैरह हो रही है और अगर उसका बेनिफिट कस्टमर तक नहीं पहुंच रहा है तो उसके लिए नेशनल एंटी प्रॉफिटिंग अथॉरिटी या नेशनल एंटी प्रॉफिटिंग काउंसिल है वो काम करती है। तो डायरेक्ट इफेक्ट है जीएसटी काउंसिल के साथ। यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि जीएसटी काउंसिल इसका आंसर नहीं होगा, इसका आंसर होगा नेशनल एंटी प्रॉफिटिंग काउंसिल। तो यह इफेक्ट हमें ध्यान में रखना है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो नीति आयोग से रिलेटेड है। क्वेश्चन ये है कि नीति आयोग ने अभी एक नई स्कीम थी जिसका नाम है नई रोशनी, बेसिकली 2015-16 के टाइम पे स्कीम आई थी। यह स्कीम किससे रिलेटेड है ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है अल्पसंख्यक किसानों के लिए सोलर पैनल पर 40% सब्सिडी देने के लिए, दूसरा ऑप्शन है अल्पसंख्यक समुदायों के लिए एजुकेशन के लिए, तीसरा ऑप्शन है सरकारी स्कूलों के बच्चों में उद्यमशीलता को प्रमोट करने के लिए, चौथा ऑप्शन है अल्पसंख्यक महिलाओं में नेतृत्व क्षमता को डेवलप करने के लिए। तो आपको चारों में से बताना है, काफी सिंपल है। इसका आंसर मैं आपको यहाँ नहीं बताऊंगा क्योंकि आप या तो गूगल करके देखिए या फिर जो भी स्कीम वगैरह है उनमें एक बार रिवाइज करेंगे तो आपको इसका आंसर आसानी से मिल जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है भारतीय नौसेना के रक्षा उपायों से संबंधित सच्ची और श्रुति के संबंध में आपको बताना है कि सच्ची और श्रुति शब्द है वो किसके लिए है। पहला ऑप्शन है कि ये दो पनडुब्बियां हैं नौसेना की, दूसरा ऑप्शन है कि बेसिकली नौसेना की रडार स्पेक्ट्रम विशेषज्ञ एनालाइजर हैं तो ये आपको बताना है, और तीसरा ऑप्शन ये है कि वे रिलायंस डिफेंस एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड RDL के द्वारा नौसेना अपतटीय सेना गश्त के से हम बोल सकते हैं कि जो पेट्रोल वेसल है वह ऑफशोर पेट्रोल वेसल है, और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दिस, मतलब उपरोक्त में से कोई सा नहीं है। तो इसका देखो आंसर है वो भी काफी सिंपल है, इसका आंसर बेसिकली मैं आपको बताऊं तो सी होगा, क्योंकि सच्ची और श्रुति हैं वो एक तरीके के छोटे सीप हैं, एक तरीके के जहाज हैं जो कि बेसिकली ऑफशोर पेट्रोल वेसल के तौर पे जाने जाते हैं, जो कि रिलायंस डिफेंस इंजीनियरिंग लिमिटेड के द्वारा बनाए गए हैं, स्वदेशी हैं। तो यह इफेक्टिव हमें ध्यान में रखना, इनको अभी नौसेना में शामिल किया गया था और इसीलिए न्यूज में भी रहते, तो UPSC इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकती है। ये तो थे आज के हमारे क्वेश्चन, अब हम चलते हैं हमारी डिस्कशन की तरफ। सबसे पहला जो आर्टिकल आया हुआ है ग्लोबल कूलिंग इनोवेशन समिट के बारे में। ग्लोबल कूलिंग इनोवेशन समिट है, इसके दो दिन की जो कॉन्फ्रेंस या इनो समिट है वो बेसिकली न्यू दिल्ली में हेल्ड है, न्यू दिल्ली में आयोजित है, वो किया गया था। यह है बेसिकली कंटेक्स्ट। अब देखो है क्या है, इसे हम पहले ये देखते हैं। देखो यह है अपने इस तरह टाइप का एक अपने आप में एक अकेला एक इनोवेशन समिट हुआ है जिसका मेन मोटो ये है कि भाई क्लाइमेट थ्रेट के तौर पे जो भी एयर कंडीशन वगैरह की हेल्प से, मतलब जो भी हम कूलेंट जैसी चीज यूज करते हैं जैसे AC हो गया, फ्रिज हो गया, इनमें आपको पता है कि गैसें यूज होती हैं बेसिकली। पहले तो इसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन यूज होता था, बाद में हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, तो इस तरह की गैसें इसमें शीतलक के तौर पर या कूलेंट के तौर पर यूज होती हैं। तो कहीं ना कहीं जो एयर कंडीशन जो AC वगैरह होती है ना, ये हमारे इन्वायरमेंट को डैमेज है वो कर रही होती हैं। तो इसीलिए इनके प्रोडक्शन को या बसतों की इनकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, ताकि इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं हो, इसके लिए बेसिकली कॉन्फ्रेंस है वो आयोजित हुई है। इसका मेन मोटो यही है कि क्लाइमेट थ्रेट के तौर पे एड्रेस करना, किस चीज़ को एड्रेस करना, एयर कंडीशन वगैरह, रूम एयर कंडीशन वगैरह इनको, ताकि कहीं ना कहीं इन पर कंट्रोल किया जा सके। देखो तो इसका मेन मोटो ये नहीं है कि एयर कंडीशन को सप्लाई को बंद कर देना, इसका मेन मोटो ये है कि भाई एयर कंडीशन आप यूज करो नो इशू, बट ऐसे एयर कंडीशन AC वगैरह होने चाहिए जिनसे कि एनवायरनमेंट या हम बात करके ओजोन लेयर को नुकसान है वो नहीं होना चाहिए, ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट है वो नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए बेसिकली कॉन्फ्रेंस है, इनोवेशन समिट है वो आयोजित हुआ था। यह बेसिकली ऑर्गेनाइज किया गया था डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसके साथ ही रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट, और इसी के साथ ही अलायंस फॉर एन एनर्जी एफिशिएंट इकोनॉमी, और इसी के साथ ही कंजर्वेशन एक्स लेव एंड सेबेट यूनिवर्सिटी के द्वारा। तो यह कुछ फैक्ट्स ध्यान में रखने हैं। और जो एक कॉन्फ्रेंस या जो हम बोल सकते हैं कि जो ये समिट हुआ था, इसी में ग्लोबल कूलिंग प्राइज को
एक तरीके से बात है वो की या ग्लोबल कूलिंग प्राइस की बात है यहाँ पे आई, तो ग्लोबल कूलिंग प्राइस बेसिकली उसे दिया जाएगा या उसके लिए बेसिक ग्लोबल कूलिंग प्राइस है वो रखा गया है, जो कि एक ऐसी टेक्नोलॉजी लेके आएगा या फिर एक ऐसा सॉल्यूशन लेके आएगा जिससे इन्वायरमेंट पे जो भी इम्पेक्ट पड़ रहा है उस इम्पेक्ट को 5 गुना तक कम किया जा सके। मतलब जो एसी वगैरह हो रहे हैं या फिर जो कूलेंट यूज कर रहे हैं उसकी हेल्प से इन्वायरमेंट पे जो इफेक्ट पड़ रहा है इसको 5 गुना तक कम रिड्यूस किया जाएगा जिस टेक्नोलॉजी के द्वारा, जिस पर्सन के द्वारा, जिस इंस्टीट्यूट के द्वारा, उसको बेसिकली ग्लोबल कूलिंग प्राइस के द्वारा नवाजा है वो जाएगा। ये बेसिकली जो आज के स्टैंडर्ड्स हैं उनके अकॉर्डिंग 5 गुना कम करने की बात की जा रही है, तो दोनों इफेक्ट ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया है वो है सिम्बेक्स के बारे में। देखो सिम्बेक्स बेसिकली एक एक्साइज है जो कि किस किस के बीच में होती है, पहला तो ये ध्यान रखना। तो सिम्बेक्स है वो सिंगापुर और इंडिया के बीच में एक मेरीटाइम बाइलेटरल एक्साइज है, तो सिंगापुर और इंडिया के बीच की मेरीटाइम एक्साइज है, यह ध्यान में रखनी है। और इसका जो अभी एडिशन, कौन सा एडिशन होगा, 2500 एडिशन इसका आयोजित है वो इस बार किया जा रहा है। बेसिकली सिम्बेक्स एक्साइज है वो 1994 में स्टार्ट हुई थी इंडिया और सिंगापुर के बीच में। ध्यान रखना है कौन सी एक्सरसाइज है, मेरीटाइम बायलेटरल एक्सरसाइज है। मतलब मेरीटाइम का मतलब क्या होगा, समुद्री सेना, समुद्र की सुरक्षा के लिए बेसिकली बात यहाँ पे की जा रही है। तो इस बार जो ये एडिशन है 2500 एडिशन है ये बेसिकली अंडमान सी में बेहो बंगाल में आयोजित है वो किया जा रहा है। तो ये इफेक्ट ध्यान में रखना है कि भाई कब तो स्टार्ट हुई थी और कब ये अभी कौन सा एडिशन इसका चल रहा है, तो यूपीएससी पूछ सकती है क्योंकि देखो 25 साल कंप्लीट हो गए हैं इसके, इसलिए इफेक्ट भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया है वो चाइना को लेके आया है। देखो चाइना ने वर्ल्ड में पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का न्यूज एंकर है वो बनाया है, तो उसको लेके न्यूज आई है। अब देखो एंकर क्या होता है, जब भी हम न्यूज वगैरह सुनते हैं तो जो हमें समाचार सुनाते हैं उसको बेसिकली एंकर के नाम से जाना जाता है, वो न्यूज एंकर होते हैं। तो चाइना ने भी एक आर्टिफिशियल न्यूज एंकर बनाया है जो होगा क्या कि रियल रूप में तो एग्जिस्ट नहीं है, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि रोबोटिक एंकर है जो कि केवल सॉफ्टवेयर के तहत काम करेगा। तो ये काम कैसे करेगा, जैसे आप देख रहे हो कि इसको इंसान की शक्ल है वो दी गई, तो ये न्यूज़ वगैरह है वो लगातार फटाफट पढ़ते रहेगा एक तरीके से। और ह्यूमन ये आपको ध्यान रखना है कि मेल इमेज की तरह है बेसिकली दिख रहा है, और इसके फेशियल एक्सप्रेशन वगैरह है वो सेम टू सेम एक इंसान की तरह ही होने वाले हैं, और आवाज़ भी एक मेल इंसान की तरह ही है। तो चाइना ने अपना पहला वर्ल्ड का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का न्यूज़ एंकर है वो बनाया है, तो यह ध्यान में रखना है। क्योंकि अभी 5th वर्ल्ड इंटरनेट कॉन्फ्रेंस आयोजित हुई थी कहाँ पे, ईस्ट चाइना के अंदर। ईस्ट चाइना में देखो एक प्रोविंस है जिसका नाम है जेनजेंग, तो ये आपको ध्यान रखना है कि इन जेनजेंग जो प्रोविंस है उसमें बेसिकली अभी 5th वर्ल्ड इंटरनेट कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसके तहत चाइना ने वर्ल्ड का पहला आर्टिफिशियल न्यूज एंकर है वो बनाया था, तो ये फैक्ट अपने आप में इम्पोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल आया है वो है एडवांस मोटर फ्यूल टेक्नोलॉजी कोलेब्रेशन प्रोग्राम। देखो इंडिया ने एडवांस मोटर फ्यूल टेक्नोलॉजी कोलेब्रेशन प्रोग्राम है इसमें पार्टिसिपेट है वो बेसिकली किया है। अब देखो आपको पता है कि हमारे देश में ग्लोबल वार्मिंग की बात ले लो या फिर से एयर पोल्यूशन की बात लो, काफ़ी गंभीर होती जा रही है। तो कहीं ना कहीं देखो गवर्नमेंट ने आपको पता है कि भी सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन भी आई थी कि भाई 2020 से पहले पहले हमें किसी भी हालत में, मतलब 2020 एंड होगी उससे पहले हमें किसी भी हालत में बेसिकली BS6 के व्हीकल्स हैं वो मार्केट में लेके आने कंपलसरी वगैरह वो सब कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं मतलब हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट ऑफ काफ़ी एक्टिव है, और बात करें तो गवर्नमेंट भी कुछ ना कुछ प्रयास है वो कर रही है। अब देखो जब बात करें कि नई टेक्नोलॉजी या फिर नए तरीके के इंजन आएंगे तो उसके लिए पहले फ्यूल तो होना चाहिए ना, ताकि जो कंपनी वगैरह है वो टेस्ट वगैरह कर सकें कि भई ये हमारे ऊपर सक्सेसफुल रहेगा नहीं रहेगा। क्योंकि देखो अगर कंपनियों को BS6 स्टैंडर्ड के व्हीकल्स बनाने हैं तो उनको ऑब्वियसली फ्यूल भी चाहिए ताकि वो टेस्टिंग वगैरह कर सकें। इसीलिए एडवांस मोटर फ्यूल टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए इंडिया ने कोलेब्रेशन में पार्टिसिपेट है वो किया है। तो बेसिकली एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है जो कि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के अंदर काम है वो करता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि एडवांस मोटर फ्यूल टेक्नोलॉजी कोलेब्रेशन प्रोग्राम है वो बेसिकली IEA यानी कि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का है। काम क्या है इसका, इसका काम यही है कि जो क्लीनर और जो मोर एफिशिएंट फ्यूल है उसको प्रमोट करना व्हीकल की टेक्नोलॉजी के लिए। क्योंकि देखो अगर अच्छा फ्यूल होगा और उसकी अच्छी एफिशिएंसी होगी तो इन्वायरमेंट पे इफेक्ट कम पड़ेगा। कैसे, क्योंकि जो गैसें निकलती हैं SO2 NOx वगैरह जो गैसें निकलती हैं इंजन्स के दहन के टाइम पे, तो उस दौरान अगर ऐसी गैसों का एमिशन कम होगा तो ऑब्वियसली इन्वायरमेंट पे इफेक्ट है वो कम पड़ेगा, और इसीलिए बेसिकली ये काम इसके द्वारा किया जा रहा है। अब यह हमें ध्यान में रखना है कि देखो इंडिया ने इसमें एक तरीके से एसोसिएट या इंडिया ने इसमें पार्टिसिपेट है वो किया है ताकि हायर एफिशिएंसी का जो इंजन है, हायर एफिशिएंसी का जो फ्यूल है वो इंडिया को मिल सके और उसकी टेक्नोलॉजी भी इंडिया को आसानी से मिल जाए। इससे फायदा क्या होगा कि जो कार्बन या SO2 NO2 जो गैसें होती हैं इनका इमिशंस कम होगा इंजन से, तो काफ़ी कुछ फायदा होगा और इंडिया के ट्रांसपोर्ट सेक्टर को बहुत बेनिफिट मिलेगा।
तो इंडिया ने बेसिकली अभी इसको ज्वाइन है वो किया है, तो उसको लेके न्यूज है वो आई है। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया है वो है डॉक्ट्रिन ऑफ डबल जियोपार्टी के बारे में। देखो बेसिकली हम आर्टिकल 20 की बात करें, आर्टिकल 20 में तीन पार्ट आपको बताया। आर्टिकल 20 का जो पहला पार्ट है उसमें क्या कहा गया है, आर्टिकल 20 का जो पहला पार्ट है वो बेसिकली ये कहता है कि कोई भी इंसान जिसने क्राइम किया हो तो उसको जो सजा है ना वो जो भी कानून चले ना उसके तहत मिलेगी। ऐसा नहीं है कि या तो उसको पुराने कानून के तहत सजा दी जाएगी या फिर नए कानून के तहत। जैसे कि मान लो किसी पर्सन ने आज के दिन कोई भी चोरी की, तो चोरी करने की मान लो कि आज के टाइम पे जो रिसेंटली सजा है हमारे कानून में वो है कि मान लो 5 थप्पड़ उसको सजा है, तो उसको अकॉर्डिंग टू कानून 5 थप्पड़ ही मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि आप कानून में बदलाव करो कि भाई उसको तो फांसी होनी चाहिए और उसके बाद उसको फांसी दे दो। जब उसने क्राइम किया है उस टाइम पे जो कानून है उसी के अकॉर्डिंग सजा मिलेगी, ना तो पहले का कानून चलेगा ना ही ऐसा कि आप बाद में अमेंडमेंट करके उसको सजा दे रहे हो। तो ये तो हो गया आर्टिकल 20 का पहला पार्ट। दूसरा जो इसका पार्ट है आर्टिकल 20 का वो अभी काफी सुर्खियों में रहा है, जिसको डॉक्ट्रिन ऑफ डबल जियोपार्टी के नाम से भी जाना जाता है। आर्टिकल 20 का जो सेकंड पार्ट है वो ये कह रहा है कि एक इंसान को एक बार क्राइम करने पे एक ही बार सजा मिलेगी। ऐसा नहीं है कि एक इंसान ने चोरी की तो उसको एक बार सजा मिल चुकी है, फिर 2 महीने बाद पुलिस वापस घर जाती है, पकड़ के लाती है और जेल में ठूस देती है कि हाँ भाई आपने तो चोरी की थी। एक क्राइम के लिए एक ही बार सजा मिलेगी, ऐसा नहीं कि बार बार सजा मिलेगी उस क्राइम के लिए। एक बार किसी इंसान ने क्राइम किया है तो उसको सजा मिल गई है, तो उसके बाद दोबारा उसको सजा नहीं मिल सकती। ऐसा क्यों किया गया? देखो ऐसा हमारे संविधान निर्माताओं ने इसलिए किया ताकि पुलिस है वो एक्चुअली हरासमेंट के थ्रू लोगों को परेशान नहीं कर सके। अदरवाइज पहले क्या होता था अंग्रेजों के टाइम पे, एक बार इंसान को सजा दे दी गई उसके बाद पुलिस वापस पकड़ के ले जाती थी, वापस मारती पीटती थी। तो हरासमेंट से बचाने के लिए बेसिकली हमारे संविधान निर्माताओं ने काफी अच्छे प्रावधान किए ताकि जनता को बेनिफिट है वो इसके लिए हो सके। मतलब एक बार सजा एक बार क्राइम, ये बेनिफिट बेसिकली यहाँ पे फोकस किया गया। तो इसको बेसिकली डॉक्ट्रिन ऑफ डबल जियोपार्टी के नाम से जानते हैं। अब आप ये बताइए कि आर्टिकल 20 का जो तीसरा पार्ट है वो क्या कहता है, इसके बारे में आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। मैंने आपको दो तो बता दी हैं, आर्टिकल 20 का ए और बी बता दिए, सी आपको बताना है। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल आया है वो आया है निमोनिया एंड डायरिया प्रोग्राम रिपोर्ट 2018। तो पहला तो ये फैक्ट ध्यान रखना है कि भाई निमोनिया और डायरिया प्रोग्राम रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है। देखो इंटरनेशनल वैक्सीन एक्सेस सेंटर है IVAC, उसके द्वारा बेसिकली ये रिपोर्ट है वो पब्लिश की गई है। देखो बेसिकली निमोनिया की स्पेलिंग में पी साइलेंट रहता है तो काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है, तो बेसिकली ऐसे काम होने नहीं चाहिए। जब पी साइलेंट है तो जिसने भी बनाई स्पेलिंग उसको सोचना चाहिए था ना। खैर हम देखते हैं आगे। देखो हमें ये ध्यान रखना है कि हर साल 12 नवंबर है उसको टेंथ एनुअल ऑफ निमोनिया डे को आयोजित किया जा रहा है, तो उसी मौके पर बेसिकली भी रिपोर्ट है वो पब्लिश की गई है। देखो वैसे हम रिपोर्ट की बात करें तो इंडिया के लिए ज़्यादा अच्छी रिपोर्ट नहीं है। अगर ऑल ओवर हम बात करें तो इंडिया की जो हालात हैं, इंडिया की जो प्रोग्रेस की बात करें कि इंडिया ने कैसे इस बार प्रोग्रेस की, वो तो अच्छी रही है। बट ऑल ओवर अगर हम डाटा को देखें, जिसमें देखो डाटा ये दिया गया है रिपोर्ट में काफ़ी सारा वैसे, तो कि पूरे वर्ल्ड में जितने भी लोग हैं उसमें से हाफ जो मिलियन जो पीपल है ना वो तो अकेले डायरिया से डेथ होती है उनकी, वो तो अकेले इंडिया और नाइजीरिया में ही है। मतलब इंडिया और नाइजीरिया में जितने लोगों की डायरिया से जो डेथ होती है उसका अगर बात करें, डायरिया और निमोनिया दोनों की बात यहाँ पे की जा रही है कि ऑल ओवर वर्ल्ड में जितने लोग मरे उनमें से आधे लोग तो बेसिकली निमोनिया और डायरिया की वजह से इंडिया और नाइजीरिया में ही मर रहे हैं। बट अच्छी बात ही है कि देखो इंडिया में जो वैक्सीन कवरेज है वो अभी बढ़ा है, बट फिर भी धीरे धीरे जो हालात है वो बढ़ तो रहे हैं, बट जितनी तेजी से बढ़ना चाहिए उस तेजी से रिजल्ट देखने को नहीं मिल रहा है। तो यह हमें ध्यान में रखना, UPSC ऐसे ऑप्शंस दे सकती है कि इंडिया का जो वैक्सीन कवरेज है वो घटा है, तो घटा नहीं है, इंडिया का वैक्सीन कवरेज तो बढ़ा है। इसके साथ ही निमोनिया और डायरिया के जो पेशेंट हैं उनकी संख्या में भी कमी आई है। बट हम बात क्या करें कि जो टोटल परसेंटेज या टोटल जो लोगों की मात्रा है वो इंडिया और नाइजीरिया में काफ़ी ज़्यादा है। तो यह हमें ध्यान में रखना है कि निमोनिया और डायरिया को लेकर बेसिकली अभी रिपोर्ट हो किसके द्वारा पब्लिश की गई है, इंटरनेशनल वैक्सीन एक्सेस सेंटर के द्वारा। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल आया है वो है स्ट्रेटजिक पेट्रोलियम रिजर्व को लेके। देखो अभी गवर्नमेंट ने स्ट्रेटजिक पेट्रोलियम रिजर्व है इनको बेसिकली भरने के लिए परमिशन है वो दी है, तो कौन से के लिए परमिशन दी है ये हमें बता होना चाहिए। बेसिकली हमारे देश में 5 स्ट्रेटजिक पेट्रोलियम रिजर्व की बात है तो की जा रही है। तो सबसे पहले तो हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि स्ट्रेटजिक पेट्रोलियम रिजर्व यानी कि SPR है, इनकी हमें जरूरत क्यों पड़ी। देखो 1990 के टाइम पे जो गल्फ कंट्रीज हैं या हम जिन्हें बात कर सकते हैं कि सऊदी अरब, इराक, ईरान वाले जो एरिया है, इसमें क्या हुआ था, वॉर छिड़ गया था, आपस में लड़ाई हो गई थी। तो उस लड़ाई के तहत हुआ क्या,
इंडिया को भाई ऑब्वियसली पेट्रोल है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट नहीं मिल रहे, तो उसकी वजह से इंडिया में एक तरीके से एनर्जी के क्राइसिस है, समस्या है वो आने लग गई। और इसीलिए इंडिया ने उस टाइम पे डिसाइड किया कि भी आगे से हम रिजर्व बना के रखेंगे, क्योंकि 1990 में जो गल्फ वॉर चला था उस टाइम पे इंडिया के पास ओनली और ओनली 3 दिन का फ्यूल बचा था, कि 3 दिन तक इंडिया में सप्लाई हो सकती है फ्यूल की, इसके बाद में इंडिया में फ्यूल नहीं था, तो इंडिया को काफी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा था। इसके बाद ही जो प्रधानमंत्री थे उस टाइम पे अटल बिहारी वाजपेयी, बाद में उन्होंने डिसाइड किया कि भाई हम रिजर्व बनाएंगे पेट्रोलियम के, ताकि हमारी जो भी एनर्जी सिक्योरिटी है उसको सिक्योर किया जा सके। तो अभी देखो बात ये थी कि धीरे धीरे प्रावधान ये करेगी, 5 मिलियन मेट्रिक टन की बात यहाँ पे की जा रही है, तो ये हमें ध्यान में रखना है कि 5 MMT के बेसिकली स्टोरेज बनाने की बात थी, तो उसमें से अलग अलग जगह बनाने की है, कहाँ कहाँ पे वो भी हम देख लेते हैं। देखो तो बेसिकली पहले तो 3 पेट्रोलियम रिजर्व की बात थी, पहला तो था विशाखापट्टनम में जो कि आंध्र प्रदेश में, दूसरा था मैंगलोर में जो कि कर्नाटका में, और तीसरा है पेड्डूर जो कि कर्नाटका के उडुपी डिस्ट्रिक्ट में है। तो ये 3 तो रिजर्व थे, ये तो पहले बात की गई थी। इसके बाद में 2017-18 के बजट में 2 पेट्रोलियम रिजर्व की बात और की गई, कहाँ, एक तो चांदी होल जो कि कहाँ पे है, उड़ीसा के जयपुर डिस्ट्रिक्ट में, उड़ीसा में एक जयपुर डिस्ट्रिक्ट है वहां पे एक पेट्रोलियम रिजर्व की बात की गई, और एक राजस्थान के बीकानेर में पेट्रोलियम रिजर्व को बनाने की बात है वो की गई। तो इन 5ों की लोकेशन हमें पता होना चाहिए और उनके नाम भी पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ पे पेट्रोलियम रिजर्व है वो बनाने की बात है वो की जा रही है। अब देखो जो भी ये पेट्रोलियम रिजर्व बनाए जाएंगे स्टोरेज, इनको बेसिकली क्या है ये ध्यान रखना, किसके द्वारा मैनेज किए जाएंगे, इसके लिए गवर्नमेंट ने एक स्पेशल पर्पज व्हीकल बनाया है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अंडर है, काम है वो करेगा। तो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस है, उसके अंदर एक डिपार्टमेंट, एक बोर्ड है जिसका नाम है ऑयल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड। तो ऑयल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड है, इसके द्वारा बेसिकली जो इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड की एक कंपनी बनाई गई है, और वो कंपनी इन सबको मैनेज है वो करेगी। तो ये हमें ध्यान में रखना कि कौन इसको मैनेज करेगा, कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा काम किया जा रहा है। तो 5ों के 5ों रिजर्व हमें ध्यान में रखने हैं। तो बेसिकली जो अकेला जो पैडूर का ये है ना, पैदूर वाला जो कि उडुपी डिस्ट्रिक्ट में आता है, ये अकेला ही 2.5 मिलियन मेट्रिक टन की कैपेसिटी है इसकी, मतलब इसकी क्षमता बहुत ज्यादा है, और अभी इसको फिलिंग करने की प्रक्रिया वो स्टार्ट कर दी गई है। तो यह बेसिकली न्यूज आई है, तो यह हमें ध्यान में रखना है। और एक इम्पोर्टेंट फैक्ट यह है कि अंडर पीपीपी मॉडल, देखो पहले तो गवर्नमेंट ने पीपीपी मॉडल की बात नहीं की थी, मतलब पहले तो गवर्नमेंट ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बात नहीं की थी इसमें, बट बाद में गवर्नमेंट ने सोचा कि यार क्यों ना हम पैसे बचाएं और जनता की भागीदारी से काम करवाएं, तो इसलिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत बेसिकली जो पैदूर स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व है इसको बेसिकली फिलअप है वो किया जा रहा है, और कैबिनेट ने इसके लिए अप्रूवल है वो दे दिया है। तो नेशनल ऑयल जो कंपनीज है NOC उनके द्वारा इसको फिलअप किया जाएगा। तो हमें एक तो इनकी लोकेशन पता होना चाहिए, विशाखापट्टनम, मैंगलोर, पैडूर, इसके अलावा 2 और कहाँ पे हैं, एक तो चांदी होल जो कि उड़ीसा के जयपुर डिस्ट्रिक्ट में है, इसके साथ ही राजस्थान के बीकानेर डिस्ट्रिक्ट में भी एक और बनाया जाएगा। टोटल 5 है, लोकेशन हमने देख ली कहाँ कहाँ पे है, और जो पैडूर के अंदर है इसकी अकेले की क्षमता है वो 2.5 मिलियन मेट्रिक टन है, इसमें 4 कंपार्टमेंट बनाए गए, तो इतना सब तो डिटेल में कोई जरूरत नहीं है। तो क्यों बनाए जा रहे हैं, किस लिए बनाए हैं, वो फैक्ट भी हमें पता होना चाहिए, पीपीपी मॉडल के तहत बनाए जा रहे हैं, ये सारे फैक्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो ये तो थी देखो आज की हमारी डिस्कशन, तो फिलहाल की डिस्कशन में इतना ही है, एक बार हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने ग्लोबल कूलिंग इनोवेशन समिट के बारे में जाना कि इंडिया ने इसमें पार्टिसिपेट किया है, इंडिया के द्वारा इसको होस्ट है वो किया गया है। इसके बाद में हमने यहाँ पे जाना कि सिम्बेक एक्सरसाइज है वो इंडिया और सिंगापुर के बीच में है। इसके साथ ही हमने जो चाइना का आर्टिफिशियल न्यूज एंकर है उसके बारे में जाना, इसी के साथ हमने एडवांस मोटर फ्यूल टेक्नोलॉजी कोलब्रेशन प्रोग्राम के बारे में जाना, और इसी के साथ हमने डॉक्ट्रिन ऑफ डबल जियो पार्टी के बारे में जाना कि आर्टिकल 20 का सेकेंड पार्ट है वो क्या कहता है, और इसी के साथ हमने यहाँ पे देखा कि निमोनिया और डायरिया प्रोग्रेस रिपोर्ट 2018 है वो इंटरनेशनल वैक्सीन एक्सेस सेंटर के द्वारा जारी है वो की गई थी। इसमें डाटा ये आया कि इंडिया में जो डायरिया और निमोनिया से लोगों की डेथ होती है वो अभी भी काफ़ी ज़्यादा है। खैर जो वैक्सीन प्रोग्राम है उसमें भी इम्प्रूवमेंट तो हुआ है, बट जितने अच्छा रिजल्ट देखने को मिलना चाहिए उतना अभी देखने को नहीं मिला है। इसके साथ ही हमने स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व का कॉन्सेप्ट जाना, कहाँ ये बनाए जा रहे हैं, वो सारे इफेक्ट हमने डिस्कस किए। तो फिलहाल के डिस्कशन में इतना ही, तो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।